ओके okay. तो हम पढ़ते हैं ब्रेन ट्यूमर्स. तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली क्या होता है कि एक बात ध्यान रखना कि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के अंदर देर इज़ अ इंक्रीज रिस्क ऑफ प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ एप्स्टीन बार वायरस. अब ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, सुप्रा टेंटोरियल और इन्फ्रा टेंटोरियल. सुप्रा टेंटोरियल ट्यूमर्स जो होता है वो मेनली अडल्ट्स में मिलते हैं, और जो इन्फ्रा टेंटोरियल होता है जो चिल्ड्रन में मिलता है. सुप्रा टेंटोरियल अडल्ट ट्यूमर के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्लाइओब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, इसके बाद में ओलिगोडेंड्रोग्लाइओमा, उसके बाद में मेनेंजियोमा. मेनेंजियोमा जो होता है वो अडल्ट में आता है, लेकिन जो मेनेंजियोब्लास्टोमा होता है वो आता है चिल्ड्रन के अंदर. इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि जेनेटिक सिंड्रोम से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के अंदर ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा देखने को मिलता है. न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के अंदर टाइप 2 बाइलेटरल श्वानोमा देखने को मिलता है. उसी तरीके से जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है सब एपेंडाइमल जायंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा, या फिर VHL की बात करें तो उसके अंदर देखने को मिलता है सेरेबेलर और रेटिनल हेमेंजियोब्लास्टोमा. अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइओब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन ट्यूमर है जो हमें पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए. पहली खासियत तो यही है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा, मतलब ये जो ट्यूमर होता है ये अराइज होता है एस्ट्रोसाइट से. एस्ट्रोसाइट जो होती है वो CNS एज वेल एज छोड़ो. इट इज़ मोर कॉमन इन सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ये दूसरी बात है इम्पोर्टेंट. इसकी ग्रेडिंग होती है 4 बिकॉज दीज आर द हाईली मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये इसके लिए तीसरी बात है. और चौथी बात आपको याद रखनी है कि ये बटरफ्लाई शेप्ड दिखता है हमको MRI के अंदर, ये ऐसे बटरफ्लाई बनी हुई है, बटरफ्लाई ग्लाइओब्लास्टोमा. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनिनजियोमा. तो मेनिनजियोमा के अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये टिपिकली कहाँ फॉर्म होते हैं, पैरासाइटल रीजन ऑफ द ब्रेन के अंदर बनते हैं. ये रहा, ये है पैरासाइटल रीजन, तो यहाँ पे बनते हैं क्या, मेनिनजियोमा. इसके बाद में हम पढ़ते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा के बारे में. तो इसके लिए एक बात क्या हमें ध्यान रखनी है, आगे बात करते हैं. अब बात करते हैं हिमेंजियोब्लास्टोमा के बारे में, जो कि एक इन्फ्राटेंटोरियल अडल्ट ब्रेन ट्यूमर है. इसकी खासियत क्या है, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही स्लो ग्रोविंग होते हैं, इसलिए इनकी ग्रेडिंग हमेशा 1 होती है. इसके अलावा इट इज़ एसोसिएटेड विद VHL सिंड्रोम, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर. इट इज़ एसोसिएटेड विद VHL सिंड्रोम. और बात क्या ध्यान रखनी है कि हिमेंजियोब्लास्टोमा जो होता है ये एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करता है, बहुत सारा एरिथ्रोपोइटिन कैन लीड टू पॉलीसाइथीमिया. तो बस ये कुछ बातें हैं जो हमें हिमेंजियोब्लास्टोमा के बारे में याद रखनी है कि ये स्लो ग्रोविंग होता है, ग्रेडिंग 1 होती है, VHL सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है. इसके अलावा ये एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करता है जो कि पॉलीसाइथीमिया कॉज कर सकता है. अब देखो, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स की. एक होता है मॉलिक्यूलर मार्कर IDH, इस IDH की फुल फॉर्म होती है आइसोसिट्रेट डी हाइड्रोजनेज. तो ये किसके लिए मॉलिक्यूलर मार्कर होता है, ग्लायोमा के लिए. जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी. इसके अलावा मेडुलोब्लास्टोमा एक ट्यूमर होता है, पीडियाट्रिक ट्यूमर होता है, तो उसके लिए क्या होता है, WNT वांट, WNT एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस,
ये कोई मॉलिक्यूलर मार्कर होता है। स्टेन्स की बात करें तो जितने भी एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं या ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास होता है कैन बी स्टेन विद जी फैप, गर्लफ्रेंड इज फैपिंग, जी फैप, ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। अब देखो, अब हमें याद कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो ग्लायोब्लास्टोमा होता है उसकी बायोप्सी के अंदर हमें स्यूडो पैलिसेडिंग पैटर्न देखने को मिलता है, पहली इम्पोर्टेंट बात। मेनेंजियोमा की बात की जाए तो इसके अंदर क्या मिलती है, समोमा, समोमा बॉडीज़ देखने को मिलती है, ये इस तरीके की समोमा बॉडीज़ देखने को मिलती है। ये समोमा बॉडीज़ और कहाँ कहाँ मिलती है, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के अंदर भी देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, तो जब इसकी ग्रेड 3 होती है तो उसके अंदर देखने को मिलते हैं चिकन वायर अपीयरेंस ऑन बायोप्सी, चिकन वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द अडल्ट ब्रेन ट्यूमर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर। तो पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे तीन होते हैं इम्पोर्टेंट, ये इन्फ्राटेरिटोरियल होते हैं, पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, मेडुलोब्लास्टोमा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अलावा एपेंडाइमोमा। पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा की ग्रेडिंग होती है 1। इसके अलावा इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है सेरेबेलम। और इसके अंदर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर क्या है, ये रोजेंथल फाइबर्स देखने को मिलते हैं जो कि कंटेन करते हैं ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, रोजेंथल फाइबर्स देखने को मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुलोब्लास्टोमा की, तो इसकी ग्रेडिंग 4 होती है, मतलब ये बहुत ही मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है क्या, हाँ, इसकी हिस्टोलॉजी में ध्यान रखना है कि हमें रोजेट मिलता है जिसे कहते हैं होमर राइट रोजेटी कहते हैं। इसके अलावा स्मॉल राउंड ऐसे ब्लू सेल्स, स्मॉल है, राउंड है और ब्लू सेल्स है, ये भी देखने को मिलती है बायोप्सी में। बात करें एपेंडाइमोमा, तो इसकी हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग है पेरी वैस्कुलर स्यूडो रोजेट, क्या देखने को मिलता है, स्यूडो रोजेट देखने को मिलता है इसके अंदर। आगे बात करते हैं सुप्रा टेंटोरियल पीडियाट्रिक ट्यूमर, तो उसके अंदर आता है क्रेनियो फेरेंजियोमा, दो बातें, इसकी ग्रेडिंग 1 होती है। इसके अलावा इट इज़ मेड अप ऑफ रेमनेंट ऑफ राथकेस पाउच, किससे बनता है ये, रात के स्पाव के रेमनेंट से ये इसका फॉर्मेशन होता है, बिनाइन होता है, स्लो ग्रोविंग होता। लास्ट बचा पीनियलोमा। पीनियलोमा हमें पता है कि ये पेरिनोड सिंड्रोम कोज करा सकता है, पेरिनोड सिंड्रोम के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। इसके अंदर एक ट्रायड देखने को मिलता है, पैरालिसिस ऑफ अपवर्ड गेज जो हमने पढ़ा था, इसके अलावा ये है ARP, इसके अलावा कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैग्मस देखने को मिलता है। पीनियलोमा कैन आल्सो सीक्रेट HCG एंड HCG कैन कॉज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन ट्यूमर्स।